एग्जैक्टली सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले थी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। में रवीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलें चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है? All the viewers in Pakistan and rest of the world would like to know, what do you call cricket in Chinese? Cricket in Chinese is 板球. Okay, right. Thank you very much. So नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। रमीज हसन राजा साहब अपने तौर पर जरूर बात कर रहे हैं, रमीज हसन राजा साहब अपने तौर पर इन दौरों के खत्म होने की वजूहात जरूर बता रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में कि हम टीमों को डेफिनेटली इनवाइट करें, उनके साथ हमारा एक बिल्कुल क्लियर कट स्टांस होना चाहिए कि आप हमारे मुल्क में खेलेंगे तो वेलकम, नहीं खेलेंगे तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग को एक विंडो क्रिएट करके हर साल में जो है वो फाइनल कर देना चाहिए। यही पाकिस्तान क्रिकेट की बप्पा है, यही पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है। सही है, सही है। अच्छा, ये जो आयन वाटमोर मुस्ताफी हुए हैं आज, और कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने के बाद बोर्ड पर काफ़ी जो है वो तनकीद की जा रही थी, तो चेयरमैन साहब जो हैं वो इस प्रेशर में थे, तो किस हद तक जुड़ी हुई है दोनों बातें आपस? अच्छा देखें, उनका मुस्ताफी होना और यूँ अचानक अपने ओहदे को छोड़ देना बहरहाल एक बड़ी खबर तो है, और उससे बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रमीज हसन राजा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया और फिर उन्होंने इसको डिलीट भी किया। लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर देना, जिस तरह माइकल होल्डिंग हो गए, माइकल एथेटन हो गए, उनकी खवातीन क्रिकेटर्स हो गई, उनके साबिक क्रिकेटर्स हो गए, उनके अखबार हो गए, उनकी मीडिया हो गया, जिस तरह उन्होंने आधे हाथों लिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, आई थिंक के इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबरा इस चीज को आप प्रेशर के तौर पर इग्नोर नहीं कर सके, क्योंकि वाज़े तौर पर यह बात सामने आई कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नहीं पता था कि जना पाकिस्तान का दौरा जो है वो खत्म किया गया है, और ये तने तनहा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। तो अच्छी बात है, दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है ये कि जनाब पाकिस्तान तो सबके साथ बड़े नेक नियति के साथ उनके मुफादात के लिए खड़ा रहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं रहता, और एक गोरे ने इस बात के प्रेशर को महसूस किया और अपनी जगह छोड़कर चला गया, ये कामयाबी मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट की। तो ये जो नई चीज सामने आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है, या ये जो चाइना की टीम बनाने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा ये वाला वेंचर और कितनी इम्पोर्टेंस हम बढ़ा सकते हैं चाइना को क्रिकेट में ला करके, और ICC में हमारी वर्थ जो है वो कितनी बढ़ सकती है अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है जिस तरीके से कहा जा रहा है? हाँ गालिबन, आयशा जो बात कर रही है वो आज जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खेल में आज गुफ्तगू की है रमीज हसन राजा साहब ने, और उन्होंने बात किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत करना होगा, उन्होंने बात की कि जी हम दुनिया को एक मैसेज देंगे, चाइना को क्रिकेट में लेकर आएंगे, और चाइना के क्रिकेट में आने से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं दुनिया की क्रिकेट में पैसा भी आएगा। मैं इसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक दीवाने का ख्वाब, मैं ये जरूर कहूंगा कि रमीज हसन राजा साहब एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो बातों के गुफ्तार के भी राजा हैं, और उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बात को भी साबित किया है। देखिए, चाइना की क्रिकेट में एंट्री अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उनके पास खिलाड़ी भी होने चाहिए, इसके लिए उनके पास स्किलफुल क्रिकेटर्स भी होना चाहिए। शायद आपकी मालूमात में इजाफा हो, नहीं तो हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, याया पीसीबी सपोर्ट कर सकता है, राइट? तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है
अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो दूर की बात, वो 32 टीमों में हर 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है हर साल क्वालिफाई कर नहीं पाते। अगर पैसों के बलबूते पर टीमें बनना शुरू हो जाती है, अगर पैसों की बलबूते पर आप अच्छे कोचेस से जो है वो कोचिंग ले लेते, तो मेरा ख्याल है कि ब्रुनाई दारुसलाम की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती, सऊदी अरब की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती। कोच आपको सिखा सकता है। नहीं तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, मतलब अगर अगर चाइना की टीम हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए आशा, मैं आपको यही बता रहा था कि एक लंबे अरसे से माजी में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चाइना में जाते रहे हैं और चाइना में क्रिकेट के हवाले से वहां पर काम करते रहे हैं, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम दुनिया में आगे बढ़ने की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन चाइना क्रिकेट में आ जाएगा और वहां पर क्रिकेट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान भारत श्रीलंका की तरह मकबूल है, इस तरह चाइना में भी हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी हो गया है और बहुत ज्यादा हो गया है। चाइना क्रिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का जोश और खरोश होना चाहिए, वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का पैशन होना चाहिए कि वहां की कंपनियां तभी आएंगी जब वहां पर स्टेडियम क्रिकेट मैचों के दौरान भरे। अभी तो वो लोग बिल्कुल चूसनी मुंह में लेकर बैठे हुए हैं, वो आप बात कर रहे हैं कि जी वो क्रिकेट में कदम रख देंगे, वो पैसे लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल पैसे लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कह देना कि जी वो बेहतरीन टीम बन जाएंगे, तो भाई आप तो 1952 से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बने, आप कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेले हैं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, आपने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान में तो गली मोहल्ले में क्रिकेट होती है, स्कूल का बच्चा क्रिकेट खेलता है, कॉलेज का बच्चा क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान में तो रोजाना की बुनियादों पर बच्चे स्कूल नहीं जाते लेकिन क्रिकेट के मैदान में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर तो सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद हम बेहतरीन टीम नहीं है, बेहतरीन सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी हमारे पास जरूर मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि चाइना में आप एक चिंगारी भड़काएंगे और उनके पास सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैकग्रा, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी रमीज राजा के स्टेटमेंट को लेकर। रमीज राजा आप जानते हैं भारत में काफी कमेंट्री की और भारत में काफी लोकप्रिय भी हैं, और रमीज राजा एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो काफी सेंसिबल समझ में आते थे, मैं कह रहा हूँ थे, लेकिन जब से ये पीसीबी के चेयरमैन बने हैं पता नहीं है किस तरीके के उलझुल बयान दिए जा रहे हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर सकता है, इंडिया ने इन्होंने सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिया, आप समझ सकते हो ये मोदी के नाम का भय कितना फैला रहे हैं पाकिस्तान में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या लेना देना पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट से, और आपको भी पता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की क्रिकेट को तबाह नहीं कर सकता। हाँ ये बात सच है कि बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग है पैसे के मामले में, लेकिन कैसे तबाह कर देगा आपके देश के क्रिकेट को, ये भी एक सच्चाई है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बोला इन्होंने रमीज राजा ने। तो इस स्टेटमेंट को लेकर तो सीरियसली मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि इनका धाती के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और जो कहावत है मतलब वही इनके ऊपर अप्लाई होती है। रमीज राजा मतलब जो पहले दिखाते थे, जो इंडिया में कॉमेंट्री करते थे, जो अपने यूट्यूब में बातें करते थे वो और हैं, और अब जब पीसीबी के चेयरमैन बने हैं वो कुछ और हैं। तो गाइज आप समझ सकते हो अब ये कुछ ऐसा मतलब एक जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर को कीड़ा काटा था वैसा कुछ अभी इनका रिएक्शन है, बिल्कुल ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान ये बन जाएगा वो, मतलब ये इस तरीके के जो बेवकूफ़ लोग आते हैं ना वो कुछ भी नहीं कर पाते, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप चाहे ऐसे एग्जांपल लीडर को ले लो चाहे कुछ कर दो, ये लोग सब बेवकूफ़ी बनाते हैं। ये अब बात कर रहे हैं कि चाइना को क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत अच्छी बात है, चाइना को क्रिकेट में आएगा, क्रिकेट का मार्केट बढ़ेगा। आपको भी पता है क्रिकेट ज़्यादा देशों में खेला जाता नहीं है, हालांकि क्रिकेट अगर पॉपुलेशन बाय देखें तो ग्लोबली 32 नंबर पर है, लेकिन अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे तो 10-12 कंट्री हैं जो एसोसिएट मेंबर के अलावा जो प्रॉपर परमानेंट मेंबर है, बाकी सब जगह क्रिकेट आप समझ सकते हो कैसा खेला जाता है। क्रिकेट ग्रो भी नहीं कर रहा इतना तेज़ी से, लेकिन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतना ही इनफ है, इतने देश ही इनफ है क्रिकेट को चलाने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, और जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, और अफगानिस्तान अभी एक नया, तो ये देश हैं क्रिकेट में। अभी ये चाइना को लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, अगर चाइना क्रिकेट में आ गया चाइना तो डेफिनेटली क्रिकेट की रीच दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये फुटबॉल
के बराबर हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना ही नहीं है। आपको भी पता है कि चाइनीज़ अगर क्रिकेट में आना होता तो अब तक आ जाते। चाइनीज़ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी नहीं होगी कि अगर उनका कोई मेन प्लेयर आउट हो गया वो सब एक जैसे दिखते हैं, शायद वही जाके तुरंत थोड़ी देर बाद बैटिंग कर दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये जोक था थोड़ा सा, हाँ मालूम है, अच्छा नहीं था। तो दोस्तों आप देख सकते हो आप पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरीके की बातें हो रही हैं कि चीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, चीन को लाएंगे। ये इनडायरेक्टली मतलब चीन को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? ये सीधा सा टारगेट है कि BCCI जो पैसे के मामले में जितना पावरफुल है उसकी ताकत को कम करने के लिए हम चीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान हर चीज़ में चीन 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 करता रहता है। भारत का अगर पाकिस्तान से युद्ध होगा चीन, भारत का अगर पानी का कुछ होगा तो बोलेगा कि हम चीन से तुम्हारा पानी बंद करा देंगे, चीन से आता है तुम्हारा सारा पानी। ये इन लोगों का नॉलेज है। तो अब आप समझ सकते हो दोस्तों, कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप का माहौल बन चुका है, उसके वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। जितने भी पाकिस्तानी मीडिया के जो फनी वीडियो होंगे वो इसी फनी ही होते हैं सारे, वो इसी चैनल पर मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।